हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का एक बार और स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल आज आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिफरेंट थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं ना, क्या चीज़ है ये? फ्रेंड, ये है हमारा टाइमर। टाइमर क्या होता है? टाइमर एक तरह की रिले होती है। तो आज हम थोड़ा सा ना टाइमर के ऊपर डिस्कस करेंगे। टाइमर क्या होता है, टाइमर कितनी तरह के होते हैं। दो तरह के टाइमर हैं, ऑन डिले और ऑफ डिले। कुछ टाइमर में, एक ही टाइमर में ऑन डिले और ऑफ डिले दोनों होता है। बट ये तो ठीक है जी, ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर को कहाँ यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है कैसे यूज कर सकते हैं, क्या फंडा होता है, तो वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो जो ये टाइमर होता है, मैंने बताया एक तरह की रिले होती है। रिले किस तरह काम करती है उसके बारे में हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो टाइमर का मतलब क्या होगा कि भाई, जैसे ही नाम से ही पता लगे टाइमर, तो भाई किसी चीज़ को चलाने के लिए या बंद करने के लिए टाइमर का यूज होगा। ठीक है, तो टाइमर क्या होता है, मशीन्स में अलग अलग यूज करते हैं। हमारे जो PLC होती हैं उसमें बहुत सारी जगह टाइमर यूज होता है। ठीक है, और टाइमर एक रिले होता है, अभी हम समझेंगे उसके बारे में भी। मैंने आपको बोला कि टाइमर दो तरह के होते हैं, ऑन डिले और ऑफ डिले। ठीक है, ऑन डिले और ऑफ डिले। तो यहाँ पर जो टाइमर देख रहे हैं, इसमें देखो, इसमें ऑन लिखा हुआ है और ये वाला हमारा ऑफ डिले टाइमर है, इस पर लिखा नहीं है, ये हमारा ऑफ डिले टाइमर है। ठीक है, तो एक ऑन डिले है, एक ऑफ डिले है। पहले तो इनके बारे में समझते हैं कि भाई एक टाइमर काम कैसे करता है, उसके अंदर होता क्या क्या है, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा वो बेसिक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। देखो भाई, एक टाइमर को अभी हमें चलाना है तो वहीं से चालू करते हैं। भाई एक टाइमर को चलाना तो कैसे कैसे चलेंगे, तो टाइमर के अंदर ना, एक तो इसके अंदर कॉयल होती है, या इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि हमें सप्लाई देनी पड़ती है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, जैसे अपना A1 और नीचे A2, दो पॉइंट होते हैं। इधर भी होता है, जैसे यहाँ A1 है, ये A2 है, इन दोनों पॉइंट में हमें सप्लाई देनी होती है, पावर देनी होती है। तो यहाँ पर सपोज हमने इधर से हमने फेस दे दिया, नीचे से हमने न्यूट्रल दे दिया, तो दोनों तरह के टाइमर में ही हमें सप्लाई देनी पड़ती है। सबसे पहले सप्लाई देते हैं ना, जब भी वो टाइमर आगे कुछ फंक्शन करना चालू करता है, तो सबसे पहली चीज़ कि टाइमर के अंदर ना हमें कुछ ना कुछ सप्लाई देनी पड़ेगी जब वो काम करना चालू करेगा। कॉन्टैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्टर में तो भाई सपोज ये हमारा कॉन्टैक्टर है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, इसमें भी A1 और A2 पॉइंट होते हैं। इधर सपोज हमने फेस दे दिया, इधर न्यूट्रल दे दिया, तो चल जाएगा ये, तो और कुछ रिएक्शन नहीं है इसके अंदर। बट ऊपर जो NONC होते हैं, जो NO और NC होते हैं, उनमें हम कुछ कंट्रोलिंग यूज कर सकते हैं। उसी तरह इसके अंदर जो अदर पॉइंट्स हैं ना, जो नंबर लिखे हुए हैं, उनके अंदर हम कुछ ना कुछ चीज़ें चला सकते हैं। जैसे हमारा ड्यूल स्टार्टर, सॉरी स्टार डेल्टा स्टार्टर है, हम ये वाला टाइमर यूज़ करते हैं। इंटरव्यू में कभी पूछ लिया जाता है, भाई जो टाइमर यूज़ किया जाता है, कौन सा टाइमर यूज़ करते, सर टाइमर ये तो नहीं पता, सर टाइमर यूज़ करते हैं ये नहीं पता। तो दोस्त, आज एक चीज़ ध्यान रख लो कि उसमें ऑन डिले टाइमर यूज़ किया जाता है, और हम थोड़ी देर में ना ये भी समझेंगे ऑन डिले और ऑफ डिले। वो लोग मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखें, वो सोचें यार सर ये इतनी लंबी वीडियो हो जाती। दोस्त, मेरा काम वीडियो को छोटा और लंबा करना नहीं है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस और है, हमने अभी हमारा ऑनलाइन कोर्सेज के साथ साथ, जैसे इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स था हमारा 30 दिन ऑनलाइन और 15 दिन ऑफलाइन, तो एक कंप्लीट ऑफलाइन कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है जल्दी से। हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हो तो हो भी चुका हो, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप बात करके इसके बारे में जान सकते हैं कि वो क्या है कैसे। अभी वापस आते हैं हम अपने इस पंडे पर। तो यहाँ हमने क्या समझा कि एक टाइमर को चलाने के लिए पहले तो न्यूट्रल फेस देना पड़ेगा, तो हमने उसको न्यूट्रल फेस दे दिया, तो एक टाइमर होता है, टाइमर वो काम करने चालू कर देता है। जैसे स्टार डेल्टा स्टार का जो टाइमर होता है वो कैसे काम करता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसमें समोज NONC सारी चीज़ें ना
एनओ एनसी के चारों तरफ घूमती हैं, सारी चीज़ें एनओ और एनसी के चारों तरफ घूमती हैं, यहीं पर पूरी कहानी है, यहीं पर पूरी कहानी। अगर ये एनओ एनसी आपको समझ में आ गया तो समझो कि 80% चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट ऊपर होता है और इस तरह करके हमारे, मैंने बताया ना एक रिले है ये जो एक पॉइंट से चलती है, जैसे यहाँ पर अगर हमने इसको फेस दे दिया तो वो फेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये है हमारा एनसी पॉइंट है, ये है हमारा एनओ पॉइंट है, नॉर्मली ओपन है ये। तो क्या होगा, सपोज इसमें हमने ये देखो टाइमर देख रहे हैं, हमने इस टाइमर को सेट कर दिया, सपोज इसको हमने 5 सेकंड के ऊपर सेट कर दिया, हमने इसको 5 सेकंड पर सेट कर दिया, तो क्या होगा, जैसे अभी यहाँ पर सप्लाई आ रखी है इस वाले पॉइंट पर, अभी 5 सेकंड के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो एनओ था जो एनसी था वो एनओ हो जाएगा, जो एनओ था वो एनसी हो जाएगा। तो सप्लाई पहले यहाँ से जा रही थी, अब यहाँ से जाने लग जाती है। हम जैसे भाई एक बार सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हमारा स्टार कॉन्टैक्टर मतलब मोटर स्टार में चलनी चाहिए, तो सपोज हमने यहाँ पर स्टार वाले कनेक्शन कर दिए हैं पहले, कि जैसे ही मोटर में सप्लाई आई स्टार्टिंग में एनसी पॉइंट था तो स्टार में चल गई, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि भाई टक 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 टाइम चेंज हुआ, ये वाला कट गया और हमारी डेल्टा में चलने लगी। तो इस तरह इसको यूज करते हैं, और यहीं से हमारा ऑन डिले और ऑफ डिले पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑन डिले, जैसे मैंने बताया भाई ये वाला टाइमर होता है हमारा ऑन डिले होता है, ऑन डिले मतलब उसको ऑन कराने में, जैसे उसको ऑन कराने में डिले करना, जैसे ऑन डिले, अब भाई मैं जा रहा हूँ मुझे डिले मत करो, मुझे लेट मत करो, तो ये ऑन कराने में लेट करता है। जैसे भाई मैंने बोला कि मेरे को सर्किट है वो 5 सेकंड के बाद ऑन हो, जैसे इस सर्किट को सप्लाई मिल गई, उसके 5 सेकंड के बाद टक 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 5 सेकंड के बाद वो ऑन होगा, ये होता है ऑन डिले, ये होता है ऑन डिले, कि ऑन होने में डिले होना, ऑन होने में लेट होना, डिले को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेट करना, ऑन होने में जो लेट करे वो हो गया ऑन डिले, ठीक है। अब दूसरा कॉन्टैक्टर कौन सा होता है, दूसरा कॉन्टैक्टर होता है ऑफ डिले, ये हो गया हमारा ऑन डिले, ये हो गया ऑफ डिले, ठीक है। दोनों का लॉजिक कुछ अलग होता है थोड़ा सा, मैंने बताया ये तो वाला तो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज होगा, ये कहाँ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर यूज होगा। पहले थोड़ा सा समझ लो कि सपोज हमें एक बल्ब जलाना है, ये बल्ब है हमारा, इसके केस में क्या था कि ये 5 सेकंड के बाद जला ऑन डिले में, अभी हमारा दूसरा केस है ऑफ डिले वाला है। ऑफ डिले में हमने क्या किया कि भाई हमने इसको सप्लाई दे दी, ठीक है, ये फिर यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से इसको फेस मिल गया, तो इसको सप्लाई आ गई, मैंने यहाँ से ऑन करते ही सप्लाई आ गई तो 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद में या 1 घंटे बाद में 2 घंटे बाद में, वो हमारे टाइमर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैंने ये मोटर थी, मैंने 2 मोटर लगा रखी हैं, मैं सोचता हूँ कि 2 घंटे मेरी ये मोटर चले और 2 घंटे दूसरी मोटर चले, तो मैंने क्या किया इसमें ऑफ डिले टाइमर लगा दिया। मैंने जैसे इस मोटर को कमांड गई, ये टाइमर है, ये टाइमर की सुई चालू होगी, ये टाइमर में भर दिया जी 2 घंटे बाद, तो क्या करेगा 2 घंटे तक कंटिन्यू इसको सप्लाई देगा और 2 घंटे बाद काट देगा। 2 घंटे तक सप्लाई दी, 2 मिनट भी रख सकते हैं, 2 घंटे भी रख सकते हैं, 24 घंटे भी रखते हैं, तो जो ये टाइमर होता है ना इसके ऊपर सब लिखा रहता है, जैसे भाई ये नीचे वाला है, नीचे वाले घंटे का है, 1 घंटा 3 घंटे 5 घंटे, ये मिनट का है कि कितनी मिनट हमें उसको ऑन रखना है, तो इसके ऊपर ना सेटिंग होती है, हमारे टाइमर के ऊपर सेटिंग होती है, हमें सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे भाई क्या होता है कि लाइट जलानी है हमें, हमने टाइमर लगा दिया कि भाई मेरी लाइटें उसमें टाइम फिट कर देते हैं अलार्म में, ऐसे गोल गोल सा, ऐसे राउंड से कलर का, राउंड से कलर का होता है उसमें, यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले होता है और यहाँ ऐसे बटन रहते हैं, हमने
इसमें टाइम फिट कर दिया कि मेरी सुबह 7 बजे से लेके सॉरी रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ये ऑन रहे। तो इसमें क्या होगा कि जिस चीज़ आपसे हमने इसमें भरा ना उतनी देर तक ऑन रहेगा, मतलब ये ऑफ डिले है कि इसको बता दिया अभी इतने घंटे आपको ऑन रहना, उसके बाद में ऑफ हो जाना है। तो ये ऑफ डिले होता है जो हमारी मोटर के अंदर यूज करते हैं, वो हमारा ऑन डिले टाइमर होता है। मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद कुछ न कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, एक एक चीज़ करके हम समझेंगे ना तो थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा। एक बार और थोड़ा सा मैं रिव्यू करा देता हूँ। ऑन डिले का मतलब हो गया भैया हमें उसको चलाने में डिले करना, हमें भैया अभी मत चलना, मैंने इसमें 5 सेकंड का टाइम भर दिया है, 5 सेकंड के बाद जाना, ठीक है जी, हाँ जी 5 सेकंड के बाद ही जाएगा वो, ये हो गया ऑन डिले। ऑफ डिले, ऑफ डिले भाई 5 सेकंड के बाद में कट कर देना, बंद हो जाना 5 सेकंड के बाद में, अभी चलना है 5 सेकंड, 15 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा। मैंने बताया कि भाई हमारी कोई मोटर होती है, 2 मोटर हैं, हमें उसको ऑटोमेशन में चलाना है भाई। अरे भाई बंदे को याद रहे नहीं रहे, भाई 2 घंटे ये मोटर चलेगी, 2 घंटे फिर दूसरी मोटर चलेगी, फिर 2 घंटे दूसरी मोटर चलेगी, तो उसमें हम ये वाला टाइमर यूज करते हैं। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, हमारा डीजी होता है कि मेरी लाइट चलेगी, मेरी लाइट चलेगी, उसमें भाई लाइट चलेगी तो क्या यूज होगा हमारा, ये ऑन डिले। लाइट जाते ही 3 सेकंड के बाद अपने आप डीजी को कमांड चली जाए, लाइट जाते ही अपने आप 3 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद डीजी को कमांड चली जाए, वो एनओ से एनसी हो जाएगा, कमांड चली जाएगी। अब ऑफ डिले, भाई मेरी लाइट आ गई है, मेरी लाइट आ गई है, आगे वो सेंस करेगा भाई लाइट आने के 5 सेकंड के बाद तुम आगे कमांड दे देना ऑन करने की। तो उस तरह करके ऑन डिले ऑफ डिले ये लॉजिक है। देखो यार, हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है किस तरह क्या लॉजिक बना रहे हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन खींच रहे हैं, इसके बीच में अगर कुछ भी लॉजिक बनाना है तो वो सारे लॉजिक NONC करके इस तरह करके हम बनाते रहते हैं। हमारा ही जल्दी एक PLC का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो लोग PLC में इंटरेस्टेड थे PLC का कोर्स ज्वाइन कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, सिखाएंगे और कुछ आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको क्या करनी है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकॉन दबाना और हमारी पिछली वीडियो देखना, जो माइंड है वो खुल जाएगा, हमने माइंड खोलने की कोशिश की है। और साथ साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि नई वीडियो आप मिस कर दोगे, नई वीडियो मिस कर दोगे। जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबा रखा है, बेल आइकॉन दबा दो, सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हो कमेंट करो, अच्छी लगी है कमेंट करेंगे, हमें एनर्जी मिलेगी, वही हमारी फीस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी, जय हिंद जय हिंदुस्तान।